गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का रूबी फैमिली चैनल में। और अभी समय हो रहा है, सुबह के 9 बज रहा है और दूध मेरा आ चुका है। चलिए चाय बनाते हैं। आज मेरा ब्लॉग चाय से शुरू होने वाला है, क्योंकि आज मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, पर वीडियो वगैरह अपलोड करना था, इसी में समय लग गया। तो झाड़ू उड़ू सब मेरा हो गया है, बस पोछा लगाना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो सबसे पहले चाय बना ले, बस 1 कप चाय बनाऊंगी। चलिए चाय बना लेते हैं, उसके बाद चाय में उबाल आने देते हैं। फ्रेंड्स, जब तक उधर चाय तैयार हो रहा है, मैं इधर लहसुन छील लेती हूँ सब्जी बनाने के लिए। ऐसे फटाफट से मेरा काम हो जाएगा। इधर चाय भी मेरा बन के तैयार है। चलिए चाय को छान लेते हैं, उसके बाद आराम से थोड़ी देर चाय बैठ के पीऊँगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। पोछा में अब बाद में लगाऊँगी, क्योंकि लेट हो गया है ब्रेकफास्ट बनाने में। सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना के बच्चे लोग को खिला दूँगी, उसके बाद ही बाकी का काम मैं शुरू करूँगी। चाय तो पी लिए थे, चलिए अब ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। ब्रेकफास्ट में आज कुंदरी की सब्जी मैं बनाऊंगी। कुंदरी, इसे कुंदरी बोलते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। और आलू और कुंदरी की सब्जी बनाऊंगी। देखिए यहाँ पर सारी सब्जियाँ को कट करके रख लिए हैं। एक प्याज मीडियम साइज का लिए हैं, यहाँ पर कुंदरी को इस तरह से कट किए हैं, ये देखिए। जैसे पटल को काटते हैं, उसी तरह से मैं कुंदरी को काटी हूँ। चलिए ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। यहाँ पर कुकर को गर्म होने देते हैं, जब तक मैं लहसुन छील लेती हूँ, इसके बाद मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। कुकर गरम हो गया, अब इसमें तेल डाल लेते हैं। ऐसे में साथ के साथ सबको साफ भी करते रहती हूँ, जो तेल डालने में इधर से हल्का सा चू जाता है, इसी चलते ये तेल डिब्बा चिकना चिकना सा हो जाता है। प्याज को हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। ब्राउन हो चुका है प्याज, अब कुंदरी को डाल देते हैं। कुंदरी को भी ब्राउन होने देंगे, उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। यहाँ पर 3 हरा मिर्चा, लहसुन, काली मिर्च, जीरा और आधा प्याज लिए हैं। इसका पेस्ट जा रहे हैं बनाने। चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए पेस्ट बनके तैयार है। चलिए अब इधर इसे भी देख लेते हैं। अब इसमें मैं आलू ऐड कर देती हूँ। दोनों साथ के साथ अच्छी तरह से भुंजा जाएगा। यहाँ पर 2 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च लेंगे,
और 2 छोटी चम्मच हल्दी, उधर सब्जी हो रहा है जब तक मैं इधर आटा को गूंद लेती हूँ। ऐसे फटाफट से ब्रेकफास्ट बनके मेरा तैयार हो जाएगा। इधर मेरा सब्जी भी बनते रहेगा, इधर मैं आटा भी गूंद लूंगी। ये देखिए ये हल्का सा और ब्राउन होगा तब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। इसे ब्राउन होने देते हैं जब तक मैं इधर आटा गूंद लेती हूँ। आटा तैयार हो चुका है, अब इसे ढक लेते हैं थोड़ी देर, और जब तक इधर मसाला ऐड कर लेते हैं सब्जी में। इसे हल्का सा पानी डाल के मिला लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसमें। यहाँ पर जो थोड़े बहुत बर्तन है उसे मैं क्लीन कर लेती हूँ, ऐसे ज्यादा बर्तन नहीं होगा। उधर साथ के साथ सब्जी भी बढ़ रहा है, इधर मैं क्लीनिंग भी कर लेती हूँ बर्तन का। फटाफट से ऐसे मेरा काम निपट जाता है सुबह सुबह का। अब यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे नमक को सब्जी में। उसके थोड़ी देर बाद मैं अब इसमें पानी ऐड कर दूंगी। आप करते रहती हूँ ऐसे, मेरा डब्बा जल्दी गंदा नहीं होता है। अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं, सब्जी तैयार है। जैसा आप इसका ग्रेवी रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं, मैं बस इतना ही पानी इसमें ऐड करूंगी। अब कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। इसमें 2 सीटी लगने देंगे, मेरा सब्जी बनके तैयार हो जाएगा। चलिए जब तक रोटी बना लेते हैं फटाफट से। रोटी तो बन गया है और सब्जी भी बन चुका है, इसका गैस भी निकल गया है कुकर का। और देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है, एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। कुंदरी और आलू का सब्जी बिल्कुल नई रेसिपी है ये। चलिए बच्चे लोग को ब्रेकफास्ट दे देते हैं, उसके बाद बाकी का काम शुरू करूँगी। बच्चे लोग जब तक खाते हैं जब तक मैं जाती हूँ किचन को साफ कर लूँगी। उसके बाद पोछा लगाना है
चलिए फ्रेंड्स किचन में चलते हैं। अब किचन को साफ कर लेते हैं, उसके बाद जाऊंगी बर्तन धोने। उधर सारा बर्तन निकाल के रख दिए हैं। सबसे पहले गैस को क्लीन कर लेते हैं, गैस चूल्हा को। उसके बाद पोछा ओछा लगाना है, बर्तन धुल चुका है। अब पोछा लगा लेते हैं। सबसे पहले मैं किचन में पोछा लगाऊंगी, उसके बाद ही सारे घर में पोछा लगाऊंगी। ऐसे जल्दी से मेरा काम हो जाएगा, किचन को क्लीन करके ही सारे घर में पोछा लगाऊंगी। और इसी तरह से जिस दिन मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने में लेट हो जाता है सुबह का काम करने में, तो मैं इसी तरह से मैनेज करती हूँ। सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बना के बच्चे लोग को खिला देती हूँ, उसके बाद मैं शांति से अपना काम करती हूँ। ऐसे मैं भी टेंशन फ्री रहती हूँ, बच्चे लोग खा लेते हैं खाना। तो चलिए अब सारे घर में पोछा लगा लेते हैं। आई होप मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग। और चलिए सारे घर में पोछा लग गया है, अब बस बाहर ही बचा हुआ है, इधर भी पोछा लगा लेते हैं। और आज काफ़ी ही लेट हो चुका है मुझे। चलिए मिलती हूँ एक अच्छे से एक नए ब्लॉग के साथ फ्रेंड्स।